हमें ये खून कहाँ से आवा? भिट्टी जी देख लेती तो बेमतबल परेशान हो जाती। हो सकता है ये गोली लगे की वजह से हल्का खून आएगा वहां। अरे ये बीच रास्ते में पत्थर किसने रख दिया? किसी का पैर लगे कोई गिर गया तो? आओ सपना जी, मान गया हमारा एसएमएस, बन गया एमएमएस। सॉरी, अंदर चलते, तुम्हें खांसी भी हो रही है, सर्दी हो जाएगी। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का भूगोल कहाँ बिगड़ा हुआ? हमारे चेहरे का भूगोल दिखाई देता है आपको, बाहर का भूगोल नहीं देखा आपने? मत पूछो काशी की माँ, हमारा तो दिमाग भन भन आ रहा है। हालात की नजाकत को समझते हुए और सबसे बड़ी बात, हमारे बेटे माही का दिल न दुखे, इसलिए मजबूरी में हम ये समझौता कर रहे हैं और उस पान वाली को हम झेल रहे हैं। वो लड़की जितनी जमीन के ऊपर है ना, उतनी ही जमीन के नीचे भी है, हमारे घर के हालात का पूरा फायदा उठा रही है और धीरे धीरे माही के दिल में जगह बना लेगी। बना कर लेगी अम्मा, बना ली है। अरे देखती नहीं हो मैया को, जब उसके साथ होता है तो उसका चेहरे पर 100 वाट का बल्ब जलने लगता है। ये कल्याणी देवी वाले के चक्कर में ना, जगह बन नहीं रहा है, जगह बचा नहीं है अब। अरे हम तो मैया के कारण कमजोर पड़ गए, तो कहिया पूरा परिवार को खत्म कर देते। हाँ लव, बोला ना, खुशी रहो। लव है, बोल रहा है कि इलाहाबाद आ रहे हैं और यही रहेगा। एक नंबर का दो नंबरी आदमी है। आने दीजिए, रिश्ते में आपका भतीजा लगता है, बेचारा जाएगा कहाँ? अच्छा ठीक है, बकवास छोड़ो, आ जाओ। अब लव करेगा हमारी मदद उस पान वाली को इस घर से निकालने में। ये क्या हो गया तुमको? तुम तो उस लौंडे से नफरत करती थी और अभी कहती हो बुला लो। बिट्टी को वहां किसी ने बुलाया तो है ही नहीं, वो आखिर वहां कर क्या रही? भले ही वो अच्छे मन से माही की सेवा करना चाहते, फिर हम जानते हैं माही के घर वाले बिट्टी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो इस तरह के लोग हैं कि आप लाख कोशिश कर लो, वो लोग बदलने वाले नहीं है। लेकिन बिट्टी ये बात समझे तब? हमें तो डर है कि वो लोग बिट्टी का कुछ अहित ना करें। हाँ पापा जी, वो लोग बात बात पर गोलीबाजी की बात करते हैं और ऊपर से लड्डू सिंह की 10 दिन वाली बात। पापा जी, हम बिट्टी को वापस कैसे लेकर आएंगे? उसके सर पे तो जैसे भूत चढ़ा हो माही की देखभाल करने का। और पता नहीं दीदी किस हालत में होगी। तुम्हारी खांसी कैसी है अब? खांसी तो एकदम ठीक है। हमको क्या लगता है कि ये ठंडी हवा जो चल रही थी ना, उसकी वजह से हमारा गला सुरसुराए लगा। देखो अगर कल ज्यादा खांसी हुई ना तो हम एक डॉक्टर को बुला कर ले आएंगे। ना, डॉक्टर की कौन जरूरत है ना, हम एकदम बमपाट है। हमें आपसे कुछ पूछे तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना?
पूछो ना क्या हुआ। कहा है ना सपना जी, हमारे घर में जो कुछ हो रहा है वो सब हमको दिख रहा है, और हम ये चाहते हैं जो ठीक नहीं है वो ना ही हो। बस हम ये बात अच्छे से जाना था कि हमारे घर में आपको कोनो कुछ कोई खास पसंद नहीं करता है, सबकी बहुत चढ़ी रहता है, खास तौर पे काशी भाई माँ और बाबा की। पहले जब आप माँ को रोकने गई तो हमको लगा कि कोनो बवाल ना हो गया। तुम्हारी जैसी बेशर्म लड़की हमने आज तक नहीं देखी, इसलिए आज हम तुमसे एक वादा करते हैं, हम तुम्हें सिर्फ इस घर से ही नहीं माही के दिल से निकाल कर रहेंगे। अबे आपको हमारी माँ कोनो ठेस पहुंचावे वाली बात तो नहीं की है ना, हमको बताई दियो, पता चले संकोच में इंसान से आप चरखा हुई पड़ी है और हमको कोनो खबर ही नहीं। तुम ज्यादा सोच रहे हो, हमारे बीच ऐसी कोई खास बात नहीं हुई है। अरे हम तो जल्दी जल्दी में तुम्हारे लिए दूध लाना ही भूल गए, हम अभी लेकर आते। ये कैसी आवाज है? यहाँ तो कुछ नहीं है, हो सकता है हमने यूं ही सुना हो, वहम। शायद बाहर से सिक्योरिटी के लोग गुजरे होंगे, अंधेरे और बाहर की लाइट की वजह से उनकी परछाई आई होगी। महिमा चाची जी ने जिम्मेदारी दी है तो निभानी तो पड़ेगी। अब आप देखिए चाची जी, हम कैसे इस लड़की को माही की नजरों में गिरा के घर से भगाते हैं। वहां कौन सो रहा है? कौन है? कौन है वहां? भगत जी, कहीं भगत जी यहाँ सोफा में तो नहीं सो रहे? भगत जी, कौन हो तुम? अजय तुम कौन हो? कौन हो यहाँ, तुम क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? अरे ला बेटा। अरे प्रणाम चाचा जी। खुशी रहो। कैसे हैं आप? बढ़िया। कब आए तुम? कल ही रात आए। क्या बात है, कैसा है हमारे शेर? बहुत बढ़िया। बाबूजी कैसे हैं? पापा एकदम जिला लाए हुए आपकी तरह फुल रंगीन। शाबाश। अच्छा एक बात बताओ, अचानक इस तरह कब आए? अरे हुआ कहा कि हम देर रात को आए और हाल में कोई रहा नहीं, सोचा काहे किसी को परेशान कर रहा है, हम चुप है यहीं सो गए। स्मार्ट बॉय। रात में जब हम दूध लेने आए थे तो हमने जो परछाई देखी थी वो हो सकता है लव हो, और वो अगर लव था तो वो उस समय हमसे मिला क्यों नहीं, और उसने क्यों नहीं बताया कि वो लव है, वो इस तरह छुपके क्यों आया था? प्रणाम भाभी जी। नमस्ते। प्रणाम। नमस्ते। ये संगम भैया ना दिखता है? वो बाहर टहलने गए हैं। हमारे प्रोफेसर साहब नहीं बदलेंगे, शिक्षित और स्वच्छ भारत बनाकर ही मानेंगे। हाँ। अरे ये आइटम
और ना मतलब हीरोइन कौन है भैया? इनको पहले तो कभी नहीं देखा। ये बिट्टी माही की पत्नी है। अरे नमस्कार भाभी जी, दसो भाभी जी, यहाँ चाचा के महिला में मजा तो आवा होगा एक। हमको तो बारह मास होली दिवाली लगती है आ जाए। कहा चाचा सही बोले ना? भाभी जी अब एक तो एहसान कीजिए, मिठास लाई कि अब इतनी खूबसूरत भाभी आई हो आप हमारी, तो अपने इन स्वादिष्ट कर कमलों से एक कप अदरक वाली चाय पिलाई दियो। तुम्हारे देवर भी धन्य हो जाएगा। और सुनिए चीनी नहीं भी डालेंगे ना तो भी चल जाएगा। तब तक हम अपने जिगर के टुकड़े माही भैया को सरप्राइज देकर आते हैं। कहाँ है भैया? रार मादे। ये क्या तरीका है प्रेमा बहू? बिट्टी का परिचय माही की पत्नी के रूप में देने की क्या आवश्यकता थी? किसने कहा था तुम्हें पुण्य कमाने? और वो माही की पत्नी है क्या? अरे जबरदस्ती माही की पत्नी बनी हुई है वो, और इस तरह जबरदस्ती किसी की पत्नी कहलाने से कोई पत्नी नहीं बन जाता। इसलिए जो बोलो ना सोच समझ कर बोला करो। चलो हमारे साथ ईका हो रहा है। हमें डॉक्टर साहब हम बोल रहे हैं माही। अच्छा हमको ना आपसे जरूरी मिलना है। ठीक है आते हैं आपके पास। माही भैया मेरी जान कैसे हैं आप? मैं क्या कर लिया यार, करके बताएं या करवा के बताएं? लाओ आराम से। मैं कैसा है? मैं एकदम बढ़िया भैया। एक तो बात बताओ यहाँ अचानक कैसे कर दिया ना मेहमानों वाली? अरे अपने परिवार वालों से भाई लोग से मुलाकात के पीछे कौन बात होता है क्या? अरे हम तो बचपन से खुलदाबाद की हवा में घुले हैं तुम्हारे साथ। एकदम बम्बार बात किया हूँ मैं लगता है यहाँ की गायब सरस्वती तुम्हारे अंदर छुपी पड़ी है। इतना भी मत चढ़ा भैया। हमें बिट्टी जी आइए मिले अब इससे। हमें ही लव है हमारे ताऊ जी का लौंडा। लो लो चाय तो पियो। हमें तो अभी तक ना बचपन की बातें बहुत ही याद आती हैं। हमें याद हम कैसे गर्मियों की छुट्टी में घुमिला करते थे, तुम तीर चलाए थे और यहाँ से निकला था, कैसे बचे थी हमारी आँख। क्या बात कर रहे हो भैया, अगर आपकी आँख में लग जाता तो अपनी आँख ना फोड़ देते। अरे गलती से छूट गया रहा, अभी भी दिल में छुपाए बैठे हो। अबे नहीं यार वो तो ऐसे हमको याद आ गया तो बोल दिए। तुम बेकार का
हमें बेटी जी कहा ढूंढ रहे हो? मैं बैंडेज नहीं मिल रहा है बेटी जी, थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा पीछे होके रखा है। देखिए बेटी जी, ई का तो इंट्रोडक्शन पूरा देना ही भूल गए। ये है हमारे ताऊ जी का लौंडा। जो गोपीगंज में रहते हैं वहां कहीं है। हाँ हाँ, अभी नीचे ही इनसे मिले थे। अच्छा तो मिल लिए, अच्छी बात। तुम बैठो, हम ड्रेसिंग कर देते। आराम से, आराम से, आराम। बैठते हैं, ऐसा झटका लगता है कि कहाँ पता है। अब एक तो बात बताओ कि ताऊ जी का ब्लड प्रेशर कैसा है? हमें अरे ब्लड प्रेशर का तो क्या बताए भैया, खुद ही न्योता दे के बुलाए हैं, साथ में चौड़ा होके बैठा है। अरे हम तो उनको कहे हैं कि हफ्ते भर के लिए यहाँ आ जाए, नई बहू के हाथ का दाना पानी लेंगे, सुधर जाएंगे। भैया एक बात बताइए, ये सुंदरी जो है मतलब आबी जो है आ गई एकदम से तुम्हारी सेवा में, मतलब फटते शादी कर लिए, बारात में भी नहीं बुलाए, चूक गए हम। क्या पता साली से हमारी सेटिंग हो जाती। अरे बोलो मत भैया, मजाक कर रहे हैं देवर वाला। हमें चाय पियो, चाय ख्याली पुलाव मत पकाओ, लगे पड़े हो। वाह भाभी वाह, क्या कमाल की चाय बनाए। आपके सामने तो कान्हा साम का सेफ भी फेल है। अरे हमारा तो जी करता है कि चाय बनाने वाले का हाथ चूम ले। हम तो पानी गरम करने लगे, चाय तो भगत जी ने बनाया। मैं जाओ चूम ले भगत जी का हाथ, और बनो होशियार। मैं कहा हो गया, काहे बुरा मान रहे हो, मैं मजाक कर रहे थे यार। मैं दिल पे मत लियो, उमरी बात कभी दिल पे लिए है क्या? जॉब लेंगे फुलदाबाद से 12 घंटे तक तुम्हारे साथ जलेबी छाने हैं। अरे बहुत मौज करें और आगे भी करते रहेंगे। जब बात तुम बस फटाफट से अपनी बीमारी को अपने ऊपर से हटाई ली, तो मौज करते हैं। हाँ यार चिपक ही गई है। अरे बतियाने के चक्कर में याद ही नहीं रहा, एक तो सेल्फी ले लेते हैं भैया भाभी के साथ। तुम्हारी ड्रेसिंग हो गई, अब हम चलते हैं। हमें बेटी जी एक तो सेल्फी की तो बात है, रख ले मनु का। बैठिए ना भाभी जी। हम उधर बैठते हैं। चलिए भैया नाश्ते पे मिलते हैं। हाँ भट्टी जी, और भाई कैसा लगा? वो अभी अभी तो मिले हैं। वो भी है। अच्छा माही, आज रक्षाबंधन है, हम थोड़ी देर के लिए घर जाकर आते हैं। हाँ हाँ जरूर जाइए, बिल्कुल जाइए। और एक तो काम कीजिए, भगत को साथ में ले जाइए, कोनो गिफ्ट विफ्ट खरीदना है तो वो मदद कर देगा आपकी। और हाँ गाड़ी लेके जरूर जाना। अरे तुम परेशान मत हो, हम चले जाएंगे, तुम यहाँ आराम करो। सपना जी जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हम तैयार होकर आते हैं।
हमें बिट्टी जी हमको माफ करना, मैं आपको ये सब के बारे में बता के परेशान नहीं करना चाहते। और वैसे भी हमको खुद ही नहीं पता ये काहे को निकल रहा है।